नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। आईपीएल में इक्के चौकों के साथ विवादों की शुरुआत भी हो चुकी है। सोमवार को किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए मैच में अश्विन और जॉस बटलर के बीच हुआ विवाद मैच के बाद भी जारी रहा। ये विवाद पैदा हो गया जब आर अश्विन ने राजस्थान के बल्लेबाज जॉस बटलर को माकंड आउट कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच काफी बहस हुई थी और बटलर बेहद नाराज नजर आ रहे थे। आईपीएल में ये पहला मौका है जब कोई खिलाड़ी माकंड आउट हुआ है। मैच खत्म होने के बाद जब दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर मिले तो जॉस बटलर ने अश्विन से हाथ नहीं मिलाया, हालांकि इसके बाद उन्होंने टीम के बाकी सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। पंजाब के कप्तान अश्विन बटलर के इस रवैये को देखकर काफी हैरान दिखाई दिए। ट्विटर पर इस विवाद के बाद बहस छिड़ गई कि अश्विन ने जो किया वह सही था या नहीं, हालांकि अश्विन ने इस पर अपनी तरफ से कोई भी सफाई नहीं दी है। मैच के बाद पोस्ट प्रेजेंटेशन में जब अश्विन से माकंड के बारे में पूछा गया तो अश्विन ने साफ कहा कि इसमें कोई बहस की बात नहीं है, ये बेहद स्वाभाविक था। गेंदबाजी करते समय मैं क्रीज पर था और मैंने गेंद फेंकी नहीं थी। उससे पहले ही बटलर क्रीज आगे छोड़कर जा चुके थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं था, इसी कारण उन्होंने अपना विकेट खोया। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।